बिहार की कमान जो है आदरणीय नीतीश कुमार जी के हाथ में है, आदरणीय तेजस्वी जी के हाथ में है। कोई भी ऐसा इरादा रखेगा तो सीमांचल की जनता, बिहार की जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, मैं हूं आपके साथ शिवम। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद केंद्रीय मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भाजपा का साथ छोड़ दिया है। ऐसे में जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार आ रहे हैं और वो 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं, आपको बता दें कि सीमांचल के इलाके पूर्णिया और किशनगंज में वो महारैली को संबोधित करेंगे, बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। इसी को लेकर जब बिहार सरकार के मंत्री शहनवाज आलम से मीडिया कर्मियों ने सवाल किया कि सीमांचल के इलाके में 2 दिवसीय दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रहे हैं, इस मामले पर बिहार सरकार के मंत्री शहनवाज आलम ने बड़ा बयान दिया है और क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुने। सीमांचल में अमित शाह के दौरे से क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, ये सीमांचल की पाक और पवित्र धरती है, सरजमी है, और सीमांचल जो है इतिहास रहा है। इस सीमांचल जो है गंगा जमुनी तहजीब का प्रतीक रहा है और यहाँ की आपसी सौहार्द, सामाजिक सौहार्द, भाईचारगी पूरे भारत को संदेश देती है। और बिहार की कमान जो है आदरणीय नीतीश कुमार जी के हाथ में है, आदरणीय तेजस्वी जी के हाथ में है। कोई भी ऐसा इरादा रखेगा तो सीमांचल की जनता, बिहार की जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। इन दिनों चर्चा सोशल मीडिया पर हो रहा है केंद्र शासित राज्य सीमांचल को बनाया जा रहा है, कितना सच्चाई है? मुद्दा सीमांचल की बदहाली होना चाहिए, बेरोजगारी होना चाहिए, महंगाई होना चाहिए, ये सब फजूल फजूल की बातें हैं। और जो भी सीमांचल की सामाजिक सौहार्द, आपसी भाईचारगी बिगाड़ने की कोशिश करेगा, जनता उसे, सीमांचल की जनता उसे मुंह तोड़ जवाब देगी। तो आपने साफ तौर पे सुना, शहनवाज आलम का कहना है कि अगर कोई भी व्यक्ति सीमांचल का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो उसको सीमांचल की जनता के साथ साथ बिहार की जनता सबक जरूर सिखाएगी। तो कहीं ना कहीं बिहार सरकार के मंत्री शहनवाज आलम ने आज बीजेपी के साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर जोरदार हमला बोला है। आपको बता दें कि बिहार में अब महागठबंधन की सरकार है और विपक्ष के भूमिका में भारतीय जनता पार्टी हो गई है, और कहीं ना कहीं यह माना जा रहा है कि जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं 2024 लोकसभा चुनाव का जो मिशन है वो बीजेपी बिहार की धरती से शुरू कर रही है, जिस पर भी आज बिहार सरकार के मंत्री शहनवाज आलम ने पलटवार किया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि अमित शाह के दौरे पर बिहार सरकार के मंत्री ने हमला बोला है तो ऐसे में बीजेपी की तरफ से क्या कुछ बयान निकल कर आता है। बहरहाल, अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।